अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। आज की एक बड़ी न्यूज़ जो पीपीएससी ने अभी ब्रेकआउट की है वो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं, क्योंकि पीपीएससी ने अनाउंस किया है पीएमएस का रिजल्ट। पीएमएस 2020 का रिजल्ट जो है व्यूअर्स वो अनाउंस हो चुका है, तो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ये एग्जाम्स दिए थे वो अपना रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। पीपीएससी ने लिस्ट शो की है उन लोगों की जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। डिटेल्स मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि आप लिस्ट भी सामने देख रहे हैं कि पीपीएससी ने 555 कैंडिडेट्स को पास किया है अगेंस्ट 71 सीट्स जो कि प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में अनाउंस की गई थी। उनमें से एक सीट है रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन और 11 सीट्स हैं मिनोरिटीज के लिए। तो व्यूअर्स, इसका रिजल्ट आ चुका है। ये एग्जाम्स हुए थे 22 अगस्त 2020 को और ये जारी रहे थे 7 सितंबर 2020 तक। अब इन जो रिजल्ट पीपीएससी ने अनाउंस किया है इसके बाद होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी और फिर इंटरव्यू होगा। तो मेरी तरफ से मुबारकबाद उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई किया है और वेरी गुड लक फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। तो व्यूअर्स, लिस्ट जो है वो यहाँ पर शेयर की हुई है, आप जो है उसे पीपीएससी की वेबसाइट से देख सकते हैं। अब आपने फर्दर प्रोसीड करना है इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तरफ। पीपीएससी ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है वो अपने क्रीडेंशियल्स की 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज जो हैं वो भेज दें और फिर ओरिजिनल जो है वो उनको साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के टाइम पे रिक्वायर हैं। पीपीएससी लेटर भी इशू करेगी वेरी अर्ली और एसएमएस भी उनको मौसूल हो जाएंगे जो लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं। लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, इस तरह के बहुत सी और अपडेट्स के लिए जो कि डिफरेंट एग्जाम्स और रिजल्ट्स से रिलेटेड हैं या इसके अलावा कोई न्यूज़ आती है तो हम अपने चैनल पर उसे शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पे हमें सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ये लिस्ट है, मैं इसको क्विकली जो है वो मूव फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन आप अपना नाम जो है वो पीपीएससी पे अवेलेबल लिस्ट में से देख सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है वो भी आप देख लें कि द कैंडिडेट्स हु वांट टू गेट देयर पेपर्स रीचेक्ड और रिकाउंटिंग ऑफ देयर मार्क्स कैन अप्लाई विद इन 7 डेज। वो लोग जिन्होंने अपने पेपर्स की रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई करना है तो वो विद इन 7 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ दिस रिजल्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर विच नो रिक्वेस्ट फॉर रीचेकिंग और रिकाउंटिंग ऑफ मार्क्स विल बी एंटरटेन। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है पीएमएस की तरफ से, पीएमएस का जो रिजल्ट अनाउंस किया गया है पीपीएससी की तरफ से उसके बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।